खबरों की ओर बढ़ेंगे। पूरे देश समेत भोपाल में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर राजधानी की ईदगाह पर ईद की नमाज विशेष रूप से पढ़ी गई। ईदगाह पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कई नेता भी पहुंचे। सभी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी और साथ ही इस दौरान दिग्विजय सिंह ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस बयान को राजनीति से नहीं जोड़े, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज और धर्म के त्योहारों में इकट्ठा होते हैं। वहीं दिग्गी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम यदि ईद मनाने आपके साथ यहाँ आते हैं तो ईसाइयों के घर क्रिसमस पे भी जाते ही उनको विश करने के लिए, सिखों के भी जुड़ जाते हैं गुरु नानक जयंती पर, और हिंदुओं के यहाँ भी हम लोग जब होली, दिवाली, ढोल ग्यारस, सब हमारे हिंदू भाइयों के जो त्यौहार होते हैं उन सब भी जाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये कोई धर्म जो है ये राजनीति का अखाड़ा या राजनीतिक हथियार नहीं है। प्रेम का, प्यार का, इबादत का, इंसानियत का, और इस देश की मिट्टी से प्यार करके इस देश को विश्व में नंबर वन ले जाने का पर्व, मोहब्बत का पर्व, ईद मुबारक हो सबको। इस पर्व का जो मेन उद्देश्य होता है, ईद का जो मेन उद्देश्य होता है कि इंसानियत, भाईचारा और सबके जीवन में सुकून, मैं मानता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। और मैं खूब ईद की इस मुबारक दिन के रोज भारत की एकता और अखंडता की प्रार्थना करता हूं। प्रेम का, प्यार।